नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहर। भारतीय टीम के इस वक्त जिम्बाब्वे दौरे पर कप्तान केएल राहुल, आखिरकार रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों भड़क उठे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि उन्हें अपनी कप्तानी में पहली जीत नसीब हुई है। साउथ अफ्रीका दौरे पर भी वो कप्तान थे, लेकिन वहां पर एक भी मुकाबला भारतीय टीम को केएल राहुल नहीं जिता पाए। इस सीरीज के लिए पहले शिखर धवन को कप्तान बनाया गया था, लेकिन धवन को हटाकर फिर केएल राहुल की वापसी के बाद उन्हें कप्तानी सौंप दी गई। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ केएल राहुल को अपनी कप्तानी में पहली जीत मिली, तो इसके बाद उनसे जब सवाल होने शुरू हुए तो जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम आया, केएल राहुल तिलमिला गए। आखिर इसके पीछे कारण क्या था, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 192 रन बनाकर भारतीय टीम ने शानदार तरीके से 10 विकेट से जीत दर्ज की, जिसके बाद केएल राहुल से उनकी कप्तानी पर लेकर सवाल हुआ और सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के लिए कप्तानी करते रहे हैं, उन्होंने शानदार तरीके से टीम इंडिया को आगे बढ़ाया, क्या आप भी इनमें से किसी के नक्शे कदम पर चलना चाहेंगे। इस सवाल से इतना तिलमिला गए केएल राहुल और वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए, और उन्होंने जवाब देते हुए कहा, जो नाम आपने लिए मैं इन लोगों के साथ अपनी तुलना भी नहीं कर सकता। एमएस धोनी ने देश के लिए जो किया वो उनके आंकड़े बयां करते हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी नाम लेना जायज है, और मैं किसी भी तरीके से किसी के नक्शे कदम पर चलने नहीं आया हूं, और मैं जिस तरीके से खिलाड़ी रहा हूं और जिस तरीके से मेरी कप्तानी रही है, मैं उसी नक्शे कदम पर चलता रहूंगा। तो फिलहाल केएल राहुल ने जिस तरीके से ये जवाब दिया वो निश्चित तौर पर यह बताता है कि वो इस सवाल से खुश नहीं थे। वहीं आपको बता दें कि केएल राहुल के करियर की शुरुआत कप्तानी के तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। आखिरकार उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी पहली जीत नसीब हुई है बतौर कप्तान। फिलहाल अब देखना होगा कि दूसरे वनडे मुकाबले में केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया किस तरीके से प्रदर्शन करती है, और इस सीरीज में क्या वो जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप करती है या फिर कुछ बड़ा उलटफेर होता है। फिलहाल जिस तरीके से जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और इस वक्त टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा का नाम सुनकर भड़क गए, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।